हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का टॉपिक ले रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, यानी भूकंप कितना बड़ा है इसे ज्ञात करने के लिए हम इसका मेजरमेंट करते हैं। इसका मेजरमेंट करने के दो मेथड हैं या दो तरीके से इसका मेजरमेंट किया जाता है। एक तो इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात किया जाता है, जिसको कि परिमाण भी कहते हैं, और दूसरा इसकी इंटेंसिटी ज्ञात की जाती है, जिसे इसकी तीव्रता या प्रबलता कहते हैं। तो यहां पर हम मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों में एक मूलभूत अंतर बता देते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी भूकंप का। ये किसी भी भूकंप से उत्सर्जित होने वाली संपूर्ण ऊर्जा की मात्रा होती है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम एन अर्थक्वेक। यानी भूकंप जहां कहीं से भी आया है उसके फोकस से उत्सर्जित होता है, तो उसके फोकस से जितनी भी ऊर्जा रिलीज हुई है उस ऊर्जा की मात्रा ही जो है उस भूकंप का मैग्नीट्यूड कहलाता है। ये इसकी क्वांटिटी किसी एक भूकंप के लिए निश्चित होती है। दूसरी ओर इसका अगर हम इंटेंसिटी मेजर करते हैं तो इंटेंसिटी का मतलब है प्रबलता। एक्चुअली प्रबलता जो है इसकी, ये इस बात पर निर्भर करती है कि भूकंप जहां पर आया है, यानी भूकंप के केंद्र से हमारा स्थान जहां हम रह रहे हैं वो कितनी दूर है, या भूकंप मापन केंद्र कितनी दूरी पर स्थित है। तो जितनी ज्यादा दूरी पर स्थित होगा भूकंप का प्रभाव उतना ही कम होगा, उतनी ही क्षति कम होगी, उतना ही भवनों में नुकसान भी कम होगा। तो यानी ये डैमेज की मात्रा जो होती है, जो डैमेज है उसकी मात्रा का माप को दर्शाता है कि हमारा डैमेज किस अनुपात में हुआ या किस मात्रा में हुआ है। तो इंटेंसिटी जो है ये दूरी के साथ साथ कम होती चली जाती है प्रबलता, और जितना ही नजदीक होगा एपिसेंटर से उतने ही ज्यादा इंटेंसिटी होती है। तो ये तो हमारा बेसिक डिफरेंस है इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में। इन दोनों का अंतर समझने के लिए एक हम सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। एक 100 वाट का बल्ब अगर हम लें और उससे भिन्न भिन्न दूरियों पर अगर हम कुछ अलग से अलग किताबें रख देते हैं, तो जो किताब सबसे नजदीक है उस पर उस बल्ब की रोशनी सबसे अधिक पड़ती है, जो किताब उससे दूर है उस पर रोशनी जो है उससे कम हो जाती है, और जो सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है किताब उस पर रोशनी और कम हो जाती है। इस तरह से रोशनी की मात्रा जो होती है किताब पर पड़ने वाली, ये इसके प्रबलता के समानुपाती है, और बल्ब की जो ऊर्जा है यानी 100 वाट का बल्ब है तो ये उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। इसी तरह से अर्थक्वेक में एनर्जी का जो मेजरमेंट है वो मैग्नीट्यूड है, और नुकसान भूकंप से होने वाले नुकसान या क्षति की मात्रा जो होती है वो इसकी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, यानी प्रबलता होती है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में बताया हमने कि इसकी एनर्जी है। अब यहां देखिए मैग्नीट्यूड को मापने के लिए किन किन स्केल्स का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीट्यूड मापने के लिए हमारे चार प्रकार के स्केल हैं। पहला है रिक्टर और लोकल मैग्नीट्यूड, जिसको कि ML के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है बॉडी और पी वेव मैग्नीट्यूड, जिसको कि MB सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है सरफेस वेव मैग्नीट्यूड, जिसको कि MS सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा है मूवमेंट मैग्नीट्यूड, जिसे कि MW से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां आज हम केवल आपको रिक्टर या लोकल मैग्नीट्यूड के बारे में ही बताने जा रहे हैं कि इसकी मात्रा कैसे निकाली जाती है और किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो पहले कुछ परिचय हम इस मैग्नीट्यूड के बारे में बता दें कि ये रिक्टर मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो वो देख लें। रिक्टर या लोकल मैग्नीट्यूड ML, ये एक्चुअली है क्या, एक लॉगरिथम ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन माइक्रोन मेजर्ड ऑन वुड एंडरसन टॉर्सन सीस्मोग्राफ हुज फ्री टाइम पीरियड इज 0.8 सेकेंड, मैग्निफिकेशन फैक्टर इज 2800, डैम्पिंग इज 0.8 एंड इसेंट्रिकल डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर।
इज कॉल्ड रिक्टर मैग्नीट्यूड एंगल। यानी अगर हम वुड एंडरसन टॉर्सन सीस्मोग्राफ, ये भूकंप मापी है, इस पर एम्पलीट्यूड ज्ञात करते हैं इसके द्वारा कि भूकंप का सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड कहां पर है, आयाम कितना, मैक्सिमम आयाम जो है उसको माइक्रोन में कन्वर्ट कर लेते हैं और माइक्रोन में कन्वर्ट करके फिर उसी आयाम का लॉगरिथम ले लेते हैं, तो जो यही लॉगरिथम होता है यही हमारा रिक्टर या लोकल मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, इस सीस्मोग्राफ के बारे में कुछ कंडीशंस हैं, वो ये है कि इसका जो फ्री टाइम पीरियड है भूकंप मापी का वो 0.8 सेकंड होना चाहिए, इसका मैग्निफिकेशन फैक्टर 2800 होना चाहिए और डैम्पिंग इसकी 0.8 होनी चाहिए और सेंट्रिकल डिस्टेंस इसकी 100 किलोमीटर होनी चाहिए। तो इन शर्तों के साथ इस भूकंप मापी के द्वारा जो एम्पलीट्यूड नापा जाता है उसको माइक्रोन में कन्वर्ट करने के बाद जब उसका लॉगरिथम ले लेते हैं तो वही लॉगरिथम जो है ये हमारा रिक्टर और अथवा लोकल मैग्नीट्यूड ML कहलाता है। तो इस तरह से हम इसको फार्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं कि ML बराबर log A, देखिए A फॉर रिप्रेजेंट फॉर एम्पलीट्यूड, ये हमारा एम्पलीट्यूड है तो इसी एम्पलीट्यूड का जो कि माइक्रोन में यहाँ पर वैल्यू इसकी रखी जाएगी, तो माइक्रोन में A की वैल्यू रखते हुए इसका लॉग ले लेते हैं बेस 10 पर, तो यही हमारे ML के बराबर होता है। इसमें एक करेक्शन लगाया जाता है माइनस लॉग ए जीरो, इसमें ए जीरो क्या है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, यानी जीरो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक का जो है ये एम्पलीट्यूड है, इसकी वैल्यू जो है 100 किलोमीटर सेंट्रिकल डिस्टेंस के लिए जो है 1 माइक्रोन के बराबर ली जाती है। तो इसकी वैल्यू जो है 100 किलोमीटर के लिए अगर हमने रीडिंग ली है तो यहाँ पर ए जीरो का मान 1 ले 1 जो है इसमें हम यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ये रिक्टर मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकली जो है इस फार्मूले के द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं अगर हमको एम्पलीट्यूड यहाँ पर मालूम हो गया है। इसके बाद एक आता है डिटरमिनेशन ऑफ रिक्टर मैग्नीट्यूड बाई रिक्टर स्केल नोमोग्राम, यानी एक नोमोग्राम के द्वारा इसकी रिक्टर मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इस नोमोग्राम, अब एक्चुअली एक शब्द आता है इसमें नोमोग्राम, जैसे ही हम नाम नोमोग्राम सुनते हैं हमारे माइंड में तुरंत स्ट्राइक करता है कि कहीं ये मिस्टेक से तो नहीं लिख दिया गया है, यहां पर नोमोग्राम ना होकर के मोनोग्राम होना चाहिए, तो एक्चुअली ये मोनोग्राम नहीं है, ये नोमोग्राम ही है। और नोमोग्राम एक्चुअली क्या होता है उसको समझ लें, ए सेट ऑफ थ्री और मोर स्केल्स, यानी तीन या तीन से अधिक स्केल का सेट जो होता है ये नोमोग्राम कहलाता है, जिसको कि एक ड्राइंग पर जो ड्रा कर लिया जाता है एक स्थान पर स्ट्रेट लाइन के द्वारा, और फिर उनमें एक उनके बीच में कुछ मैंने एक वैल्यू को छोड़ करके शेष वैल्यू ज्ञात होने पर हम ज्ञात वैल्यूज के बिंदु निर्धारित कर लेते हैं, फिर उन बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला देते हैं, तो सीधी रेखा हमारी अज्ञात राशि वाले स्केल को जहां पर करती है वो अज्ञात राशि हमको ज्ञात हो जाती है। तो इस तरह का जो भी स्केल होता है वे सारे के सारे नोमोग्राम कहलाते हैं। तो नोमोग्राम एक जनरल टर्म है, इसी तरह से रिक्टर स्केल यानी रिक्टर मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए भी एक नोमोग्राम बनाया गया। इस नोमोग्राम का एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूं, तो ये जो है एक नोमोग्राम है, इसमें आप देख रहे होंगे कि यहां पर ये तीन स्केल है और तीन स्केल में क्या क्या है मैं 1 by 1 आपको बताता चल रहा हूं, तो उसको समझें पहले। तीन स्केल में क्या है, ये जो हमारा पहला स्केल है इसके दाहिनी तरफ टाइम इन सेकंड को प्लॉट किया जाता है, और ये टाइम कौन सा होता है यहां पर देखिए, इसके ऊपर सीस्मोग्राम दिखाया गया है, यानी किसी भी सीस्मोग्राफ से यानी भूकंप मापी से जो हम ड्राइंग शीट पर एक ग्राफ प्राप्त करते हैं भूकंप के दोलनों का, वो कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। यहां पर जैसे ही भूकंप प्रारंभ होता है सबसे पहले पी वेव्स पहुंचती हैं, तो पी वेव्स जब पहुंच जाती हैं तो ये उसी हिसाब से दोलन करने लगती हैं, पी वेव्स का आयाम कम होता है। इसके बाद जैसे ही सेकेंडरी वेव्स पहुंच जाती हैं
तो सेकेंडरी वेव्स यानी इतने समय बाद जो है सेकेंडरी वेव्स भी पहुंच गई, और जैसे ही सेकेंडरी वेव पहुंचती हैं हमारे दोलन जो है का आयाम बहुत तेजी से एकदम से बढ़ जाता है। तो इसका आयाम जो है एकदम से इतना हो गया, और फिर ये बाद में धीरे धीरे कम होता चला गया। तो यहां पर इस तरह का एक ये हमारा सीस्मोग्राम कहलाता है, भूकंप लेख कहलाता है। इस लेख में हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है। तो ये सेकेंडरी वेव जैसे ही पहुंचती है उस समय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमको प्राप्त होता है। इसको हम माप लेते हैं कि ये कितना इसकी मिलीमीटर में वैल्यू है। तो यहां पर हम स्केल रख करके इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे यहां पर 0 बेस लाइन पर है, यहां 10 है, यहां 20 है, 20 के ऊपर ये तीन निशान के बाद यहां पर इसका हाईएस्ट पीक स्थित है, इसलिए इस कई आयाम की जो वैल्यू है ये 23 मिलीमीटर यहां पर हमको प्राप्त हो जाती है। दूसरी तरफ यहां देखें कि ये जो हमारा यहां पर से हमारी प्राइमरी वेव स्टार्ट हुई थी, और इसके इतने समय बाद यानी यहां से यहां तक का जो समय लैप्स हुआ है इतने समय बाद हमको हमारी सेकेंडरी वेव्स प्राप्त हो गई। तो यही चीज यहां पर रिप्रेजेंट की गई है कि एस माइनस पी यानी एस सेकेंडरी वेव्स और प्राइमरी वेव्स के पहुंचने में जो अंतर है, टाइम डिफरेंस है, वो हम मेजर कर लेते हैं। तो यहां से यहां तक कुल कितना समय लगा, तो ये इन दोनों तरंगों के पहुंचने में के समय में का अंतर हुआ, यानी पी वेव यहां पहुंचती है, एस वेव यहां पर पहुंचती है, दोनों में अंतर यहां से यहां तक का टाइम हो गया। इस टाइम को जो है टाइम स्केल पर जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैलिब्रेशन जो करते हैं उसके द्वारा देखते हैं, तो ये हमारा 0 था, ये 10 था, ये 20 था, और 20 के बाद चार निशान के बाद जो है ये हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्राप्त हो गया। तो इस तरह से एस माइनस पी की वैल्यू जो है 24 सेकेंड इस सीस्मोग्राम के द्वारा हमने ज्ञात कर ली। तो ये हमारी टाइम पीरियड ज्ञात हो गया कि एस और पी के टाइम पीरियड में कितना डिफरेंस है, पहुंचने के समय में अंतर कितना है, और ये हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इस सीस्मोग्राम के द्वारा ये दो चीजें पहले मेजर कर ली जाती हैं, इसके बाद ही हम जो है नोमोग्राम का प्रयोग करते हैं। नोमोग्राम में जो हमारे बाई तरफ का इसके पैमाना है, तो बाई तरफ के पैमाने में आप देखिए इस पैमाने के दाहिनी ओर जो है यही डिफरेंस एस माइनस पी का जो डिफरेंस होता है इसी को प्लॉट किया जाता है यहां पर। तो यहां पर 0 है, 2 है, 4, ये तो स्केल बना दिया जाता है कैलिब्रेट करके। अब इस स्केल पर हम इसी टाइम पीरियड को यहां पर इंगित करते हैं। जैसे ये 24 है तो ये 4, 6, 8, 10 और ये 20 और ये 30, तो 20 के ऊपर जो है हम 24 की दूरी पर यहां छोटे छोटे निशान भी बने होते हैं एक्चुअल स्केल में, तो ये 24 पर यहां पर एक निशान मार्क कर लेते हैं। इस पैमाने के बाई ओर ये सेंट्रिकल डिस्टेंस भी होती है, भूकंप मापी केंद्र से फोकस की दूरी होती है, भूकंप का जो फोकस है वहां से भूकंप मापन केंद्र के बीच कितनी दूरी है वो दूरी इसके बाई ओर किलोमीटर में दर्शाई जाती है। तो ये 0, 5, 20 ये अप टू 500 किलोमीटर तक का स्केल इसमें बना रहता है। तो एक इसी स्केल पर ये दो वैल्यूज यहां पर प्लॉट की गई हैं, एक तो ये टाइम डिफरेंस हो गया एस और पी के बीच का, और दूसरा हो गया इसकी भूकंप मापी केंद्र से भूकंप के केंद्र तक की दूरी है। इसके सबसे दाहिनी तरफ का जो स्केल है, तीसरा स्केल कह सकते हैं इसको, इस पर जो है एम्पलीट्यूड दर्शाया जाता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए जो इस स्केल पर 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50 एंड 100 इस तरह से मार्क्स बने रहते हैं। तो ये हमारा एक स्केल है, इसी स्केल पर हम एम्पलीट्यूड यहां पर जो हमने ज्ञात किया, आप देखें आपने यहां पर ये स्केल से 23 mm की वैल्यू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका प्राप्त किया। तो इस स्केल पर आप 23 की दूरी पर यानी ये 20 है तो इसके आगे तीन निशान के बाद यहां पर हम एक निशान यानी क्रॉस पॉइंट लगा लेंगे। तो एक तो इस स्केल पर ये पॉइंट हमको प्राप्त हो गया, और दूसरा पॉइंट हमारा इस स्केल पर प्राप्त हो गया ये। तो ये और इसके बीच में जो स्केल होता है ये हमारा मैग्नीट्यूड स्केल होता है, ये सीधा बना हुआ रहता है, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 0 एंड इस तरह से ये मैग्नीट्यूड स्केल हो गया, ये एम्पलीट्यूड स्केल हो गया, और ये हमारा टाइम डिफरेंस और डिस्टेंस इन किलोमीटर का कंबाइंड स्केल हो गया। तो जब हमने ये दो बिंदु प्राप्त कर लिए, टाइम डिफरेंस के हिसाब से ये बिंदु प्राप्त कर लिया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के हिसाब से ये बिंदु प्राप्त कर लिया, अब हमारा काम केवल इतना होता है कि इन दोनों बिंदुओं को स्ट्रेट लाइन खींच करके आपस में मिला देते हैं। तो सीधा स्केल से इनकी स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा खींच दीजिए,
ये सीधी रेखा मैग्नीट्यूड स्केल को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु पर हम मैग्नीट्यूड का पाठ्यांक पढ़ लेते हैं। तो यहां पर जो है इसका मैग्नीट्यूड का जो पाठ्यांक हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं 5 आया। तो इस तरह से जो ये सिस्मोग्राफ था जिस भूकंप का, उस भूकंप का मैग्नीट्यूड जो है वो 5 आ गया। तो ये 5 मैग्नीट्यूड जो है ये रिक्टर मैग्नीट्यूड के नाम से जाना जाता है और इसी को हम लोकल मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो इस तरह से ये मैग्नीट्यूड जो है इस नोमोग्राम के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। तो ये नोमोग्राम के द्वारा जो है ज्ञात करने का मेथड बहुत सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इस मैटर को, इस ग्राफ, नोमोग्राम को तैयार करने में एक्चुअली समय लगता है, क्योंकि इसका कंप्लीट कैलिब्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही ये ग्राफ तैयार होते हैं नोमोग्राम। और नोमोग्राम तैयार हो जाने के बाद अगर हमको ये दो चीजें मालूम हो जाएं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है और टाइम डिफरेंस कितना है, तो इसके द्वारा हम एम्पलीट्यूड डायरेक्ट इससे पढ़ लेते हैं। तो यह है मैग्नीट्यूड ज्ञात करने का तरीका बाय रिक्टर स्केल नोमोग्राम। तो ये रिक्टर स्केल नोमोग्राम के द्वारा मैग्नीट्यूड मापने का ये एक सिंपल तरीका है। बोलचाल की भाषा में, पेपर में, अखबार में, आम व्यक्तियों के द्वारा शब्द प्रयोग किया जाता है कि भूकंप कितनी तीव्रता का था, और भूकंप तीव्रता का बता पूछ कह करके, और फिर वो तुरंत बोल देते हैं कि वो भूकंप जो है 6.5 तीव्रता का था। जबकि आप समझते हैं कि मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है, तीव्रता और परिमाण में क्या अंतर है। ये समझने के बाद आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि ये तीव्रता शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, ये एक्चुअली परिमाण है, ये मैग्नीट्यूड है। तो 6.5 मैग्नीट्यूड का, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसे तीव्रता ही प्रयोग किया जाता है इसका, हालांकि संदर्भ मैग्नीट्यूड से ही होता है, क्योंकि आम व्यक्ति इस डिफरेंस को नहीं समझते। इसलिए जैसे किलोग्राम द्रव्यमान और किलोग्राम भार, इसमें जो अंतर है, ठीक उसी तरह से ये भी अंतर जो है भ्रांति का शिकार होता है। पेपर में तीव्रता ही शब्द लिखा रहता मिलता है, अखबारों में शायद ही कोई इसको परिमाण या मैग्नीट्यूड शब्द प्रयोग करता है। खैर, इतना आप समझते हैं। रिक्टर नोमोग्राम, रिक्टर स्केल नोमोग्राम जो था उसके द्वारा भिन्न भिन्न तीव्रता के या भिन्न भिन्न क्षमता के भूकंपों का मापन किया गया, और मापन करने के उपरांत एक तालिका में उन भूकंपों की श्रेणी बनाई गई। तो इस तालिका का एक संक्षेप में देख लें कि रिक्टर मैग्नीट्यूड यानी ML की वैल्यू अगर 3.5 से नीचे है, तब ये भूकंप जो है वेरी माइनर अर्थक्वेक की श्रेणी में आता है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड जो है 3.5 से 4.3 के बीच में है, तो ये माइनर कहलाता है, यानी माइनर मीन्स हल्का भूकंप कहलाता है। और इसका मैग्नीट्यूड 4.3 से 4.8 के बीच में होने पर इसको लाइट अर्थक्वेक बोलते हैं, यानी साधारण भूकंप कहलाता है ये। और इसी तरह से ये 4.9 और 5.4 के बीच में होने पर इसको मॉडरेट अर्थक्वेक कहा जाता है, यानी कुछ तीव्र भूकंप है। और 5.5 से 6.4 के बीच में होने पर इसे स्ट्रांग अर्थक्वेक कहते हैं, यानी ये स्ट्रांग अर्थक्वेक कहलाता है अगर उसका मैग्नीट्यूड 5.5 और 6.1 तक पहुंच गया है। इसके बाद 6.2 से 6.9 के बीच में जिसका मैग्नीट्यूड होता है उसको मेजर अर्थक्वेक बोलते हैं, विनाशकारी, सामान्य विनाशकारी। और इसके बाद 7 से 7.5 तक अगर मैग्नीट्यूड पहुंचा है तो ये ग्रेट अर्थक्वेक की श्रेणी में आएगा, और 7.5 से 8 के बीच में है तो वेरी ग्रेट हो गया और अत्यंत विनाशकारी। और इसके बाद 8.5 से 8.9 के बीच में है तो ये डिजास्ट्रस कहलाता है, यानी प्रलयकारी भूकंप कहलाता है, विनाशकारी भूकंप कहलाता है। तो इस तरह से तीव्रता के आधार पर इनके जो है नामकरण किया गया है, इनको क्या कहा जाएगा। तो इस इंटेंसिटी के अनुसार, जैसे मेजर अर्थक्वेक आपको शब्द प्रयोग किया जा रहा है, तो आपको अनुमान लग जाना चाहिए कि मेजर अर्थक्वेक इसका मतलब है ये 6.2 और 6.9 के बीच का अर्थक्वेक है। तो इस तरह से जब ग्रेट अर्थक्वेक कहा जाए तो आपके माइंड में तुरंत कंसेप्ट पहुंचना चाहिए कि ग्रेट अर्थक्वेक का मतलब 7.0 से लेकर 7.5 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड के आधार पर भूकंप को क्या नाम दिया जाएगा, या उनको क्या कहकर के, किस तरह का भूकंप कहकर पुकारा जाएगा, उसको टेबलेट
किया गया है। तो इसके बाद जो है रिक्टर मैग्नीट्यूड के बारे में पूरी जानकारी हो गई। थैंक यू।